नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और हम आज आए हुए ओला मैमूर का इन फ्रंट ऑफ पद्मनी होटल। और हम आज इस वीडियो में डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे ओला S1 एयर में क्या क्या नए नए फीचर ऑफर हो गए हैं और किन मामलों में पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, जो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर लेते हैं ओला S1 एयर के बारे में। तो फ्रंट लुक की अगर बात करें तो फ्रंट लुक वैसा ही रहने वाला है जितने कि बाकी ओला के स्कूटीज़ में आता है। ज़्यादा कोई डिफ्रेंसेस इसमें नहीं ऑफर होते हैं। डिफ्रेंसेस ऑफर होते हैं तो नीचे के साइड में इसमें आपको कोई भी अलॉय व्हील ऑफर नहीं होता है। स्टील रिम आपको इसमें ऑफर हो जाते हैं। स्टील रिम का डिज़ाइन है वो काफ़ी यूनिक सा दिया गया है और इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें ऑफर हो जाता है फ्रंट में, जो कि कुछ इस टाइप का रहने वाला है। डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें ऑफर हो जाए ट्रेडिशनल वाला, जैसा कि बाकी स्कूटी से आता था। वो सिंगल वाला ओला ने अपने लाइनअप में से हटा दिया है। और बात करते हैं इसके कलर की, तो इसमें आपको कलर मिलना है दूर से देखने में आपको ब्लैक लगने वाला है, जब पास जाके आप उसको देखेंगे तो हल्का सा ग्रेइश फिनिश में रहने वाला है। और इसमें आपको कोई भी डिस्क ऑफर नहीं होता है। डिस्क की जगह आपको इसमें कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर हो जाता है ड्रम ब्रेक के साथ में। और बात करते हैं इसके टायर साइज़ की, इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है 1912 इंच का, इसमें आपको टायर साइज़ ऑफर हो जाता है। और बात कर लेते हैं इसके मडगार्ड की, तो मडगार्ड यहाँ पे आपको फुल फाइबर का मडगार्ड ऑफर होता है। यहाँ पे इसके नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है कुछ इस जगह पे, यहाँ पे ओला का स्टिकरिंग मिल जाती है। और इस जगह पे जो इंडिकेटर मिलता है, पहले नॉर्मल आपको ट्रांसपेरेंट वाले मिलते थे, बट अब आपको सारे स्मोक इंडिकेटर मिलने लगे हैं ओला में। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ कर दी ओला ने। और बात करते हैं इसके हेडलैम्प के, जिसमें जो आपको हेडलैम्प ऑफर होता है फुली LED सेटअप के साथ में, प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर हो जाता है। हाई बीम लो बीम सब कुछ आपको प्रोजेक्टर मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको इसमें DRL मिल जाएगा। और पर्सनली बोले ना, इसका जो हेडलैम्प है बाकी काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा आपको डिसेंट सा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ में आने वाली स्कूटी मेरे को लगती है। मतलब आने वाला फ्यूचर ओला का है और अभी भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट ये कवर कर चुकी है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अगर बात करते हैं तो। और बात कर लेते हैं इस जगह की, तो यहाँ पर अगर आप देख पाते हैं तो सारे कुछ बटन वगैरह सब कुछ सेम दिया गया है। चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए हैं, किन मामले में कॉस्ट कटिंग की गई है, तो सबसे पहले इसमें आपको बेल्ट मोटर नहीं मिलता है, इसमें आपको हब मोटर मिलता है, जिससे कि इसके आपको जो टायर है इसमें आपको मोटर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पीछे के साइड में भी कोई डिस्क ऑफर नहीं होता। बात करें तो इसके सस्पेंशन की, तो इसमें आपको रियर साइड में डुअल सस्पेंशन आपको ऑफर हो जाते हैं। मोनो सस्पेंशन इसमें नहीं ऑफर होता, डुअल सस्पेंशन इसमें आपको ऑफर हो जाते हैं। और बात करते हैं पीछे के लुक की, तो पीछे का लुक कुछ इस टाइप का आपको रहने वाला है। ये जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक सा आपको रहने वाला है, ऊपर डुअल टोन में आपको रहने वाला है। और पीछे के टेल लैम्प की बात करें, जो टेल लैम्प है वो भी आपको स्मोकी कलर का मिल जाता है। और सबसे बड़ी ओला की कमी जो मेरे को लगती है वो लगती है यहाँ पे, ये अगर गाड़ी लॉक है तब भी ये चीज़ आपका अनलॉक रहता है। मे बी अगर आप बाहर हैं तो ये आराम से कोई भी खोल सकता है, बारिश का टाइम है कोई भी खोल के जा सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिक वाली चीज़ है तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग पावर फिगर की बात कर लेते हैं, जो इसके आपको सर्टिफाइड रेंज मिलने वाली है 151 किलोमीटर की, इसमें आपको रेंज ऑफर हो जाती है। और बात करते हैं इसके टॉप स्पीड की, जो 90 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड ये पकड़ सकती है। और बात करते हैं 0 to 40 एक्सेलरेशन की, तो 3.3 सेकंड में 0 to 40 कवर कर लेती है। और बात कर लेते हैं इसके मोटर की, तो मोटर इसमें आपको 3 किलोवाट का मोटर मिलता है। बैटरी पैक की अगर बात करें, 3 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है। मोटर की बात करें तो मोटर 6 किलोवाट का मिलता है, सॉरी मैंने 3 बोल दिया था, बट 6 किलोवाट का इसमें आपको मोटर ऑफर होता है। 3 किलोवाट आवर की इसमें बैटरी ऑफर हो जाती है। चार्जिंग टाइम आपको 5 किलोमीटर का मिल जाता है। इसमें 3 राइडिंग मोड आपको इसमें ऑफर हो जाते हैं, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड, उससे रिलेटेड भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। और बात करते हैं टच स्क्रीन की, 7 इंच इसमें आपको टच स्क्रीन ऑफर हो जाती है, उसके बारे में डिटेल में मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ। 6 कलर के साथ में अवेलेबल हो जाती है, एक आपको वाइट कलर मिल जाता है, एक वहाँ पे आपको नियॉन कलर है वो आपको ऑफर हो जाता है, उसके बाद ब्लैक कलर ऑफर हो जाएगा, पर्पल कलर ऑफर हो जाएगा, रेड कलर और ब्लू कलर में साथ में ये स्कूटी आपको ऑफर हो जाती है। और सबसे पहली बात है, मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ इसके बूट स्पेस, 34 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इसको। इसका बूट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको गाड़ी को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करिए, आप यहाँ से इसको अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद आपको यहीं से अपना बूट ओपन करना पड़ेगा। जो आप देख रहे हैं स्पेस इस जगह पर, इसको आप लोग टच करेंगे, जैसे इसको आप टच करेंगे यहाँ पे आपको लिखा होगा ओपन ट्रंक, और इसका ट्रंक ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसका ट्रंक ओपन हो जाता है। और इस जगह पे आपको इसमें अपना एक चार्जर और एक हेलमेट पहले से रखा हुआ है। मतलब आप इसको स्कूटी को बाई करते हैं तो आपको एक चार्जर और एक हेलमेट ऑफर हो जाता है। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हेलमेट के बाद आपको एक यहाँ पे चार्जर रखने की जगह मिल गई, तो एक हाफ फेस हेलमेट एक आप और रख सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको अपना दो हेलमेट भी रख सकते हैं, या फिर अकेले राइड करते हैं एक हेलमेट, आप कुछ सामान रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई इशू नहीं रहने वाला है। और इसके
सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो सीट का कुशनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। आप थोड़ी मोटी लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, मतलब 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर की लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो आप आराम से इस पर कर सकते हैं, उससे रेट भी कोई इशू नहीं रहने वाला है। चलो बैठते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको ऑफर हो जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सबसे पहले कैसे स्टार्ट करना है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आपका पासवर्ड इसमें आप सेट किए होंगे उसको आप एंटर करेंगे। पासवर्ड के अलावा एक मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू भी इसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि कोई निशान नहीं है, जैसे इसका मैं स्टैंड लगाऊंगा यहाँ पे स्टैंड का निशान आ जाएगा, स्टैंड हटाऊंगा तो स्टैंड का निशान यहाँ पे चला जाएगा। और इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं सबसे पहले, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग में मेरे को जाना पड़ेगा। ब्लूटूथ सेटिंग में जाएंगे, फिर अपने फ़ोन में ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको ओपन कर लीजिए, फिर आपको नीचे आएगा ओला स्कूटर म्यूज़िक, यहाँ से इसको एक्सेप्ट करेंगे, फ़ोन में पेयर करेंगे और फिर आपका यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्टिंग लिख रहा है, कनेक्ट हो गया आपका फ़ोन। यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिवाइस कनेक्टेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है। पहले और फीचर बता देते हैं, फिर ब्लूटूथ का क्या यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो इसके सेटिंग में हम लोग जाएंगे, सेटिंग में सबसे पहले यहाँ पे आप ब्राइटनेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्राइटनेस के बाद यहाँ पे साउंड की सेटिंग कर सकते हैं, मीडिया वॉल्यूम वगैरह है, सिस्टम साउंड है, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मीडिया वॉल्यूम सिस्टम साउंड आपको सेट करने के बाद यहाँ पे आता है मोड वगैरह जो जनरेट करना है वो आप कर सकते हैं। मोटर के साउंड आपको आएगी, मतलब गाड़ी जब चलाएंगे तो आपको मोटर के एक साउंड आपको ये स्पीकर के थ्रू आती रहती है, तो वो आप यहाँ से सेट करते हैं कितनी आना चाहिए कितनी नहीं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पे लाइट में जाते हैं तो यहाँ पे हैजार्ड लैंप यहाँ से ऑन करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हैजार्ड लैंप जब चलती गाड़ी में आप प्लीज़ इसको यूज़ मत करें, गाड़ी जब खड़ी या फिर कोई दिक्कत है तो आप इसका हैजार्ड लैंप यूज़ कर सकते हैं। और राइडिंग मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी में एप्लीकेशन मोड में डाल के आप रख सकते हैं अपनी गाड़ी को। पासपोर्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको अभी इसमें आया नहीं, कमिंग सून लिख रहा है, बट कुछ टाइम बाद अपडेट के थ्रू आ जाएगा, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट आप सेव कर सकते हैं। सिस्टम अपडेट का ऑप्शन इस जगह पर आपको मिल जाता है, तो वो आपको ऑटोमेटिक पर आप रखे रहेंगे, नेट से कनेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा, या फिर अपने सर्विस सेंटर में जाकर अपना सिस्टम अपग्रेड करवा सकते हैं आप। ऑल सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले की सेटिंग मिल जाती है, ऑटो पे रख सकते हैं, लाइट पे रख सकते हैं, डार्क पे आप रख सकते हैं। डार्क मोड पे भी नहीं जा रहा है, अब देखिए आप डार्क मोड पे चला गया है, लाइट मोड पे, मतलब लाइट और डार्क में जब शिफ्ट करें तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो जाने में। और बात कर लेते हैं ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और थोड़े बहुत आपको थीम मिल जाते हैं, जैसे नॉर्मल इक्लिप्स वाला हो गया, विंटेज हो गया, बोल्ट हो गया, इक्लिप्स हो गया, दो तीन आपको थीम इसमें आपको ऑफर हो जाते हैं और अप्लाई यहाँ से आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल जिसकी थीम है वो पूरी चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसको अप्लाई करने पर पूरी जो थीम है इसकी वो चेंज हो गई, यहाँ विंटर्स थीम में आपको चला गया है। और यहाँ पे होम बटन में एक सब आपको प्ले करके तो वो दिखाएगा, ट्रिप यहाँ पे दिखाएगा, मतलब विंटर्स टाइप का आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं इसके म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं कि इसमें कैसा आपको म्यूज़िक प्ले होने वाला है। सबसे पहले हम एक NCS का म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से NCS का म्यूज़िक हम लोग प्ले कर दिए। तो कुछ इस टाइप का NCS का म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। डबल टाइप करेंगे तो पार्टी मोड इसका ऑन हो जाएगा, तो पार्टी मोड में ये सारी लाइटें हैं वो सब ब्लिंक करने लगती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको दी गई है। पार्टी मोड ऑन करके आप आराम से पार्टी वगैरह कर सकते हैं। इसका जो साउंड क्वालिटी वो एक बार आपको सुना देता हूँ, आप पॉज और प्ले यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन अप डाउन का बटन यहाँ पे आपको दिया गया है, और इस जगह पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल और रिवर्स का स्विच मिल जाता है। लाइट ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ हाई बीम सब कुछ यहीं से हो जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर का आपको स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे इसका हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न की क्वालिटी की बात करें काफ़ी अच्छा और तगड़ा हॉर्न इसमें आपको ऑफर हो जाता है, और काफ़ी नए नए फीचर भी इसमें आपको ऑफर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कंक्लूजन की बात करें, जो ओला S1 एयर है ये एक ऐसी स्कूटी है जो कि थोड़े से कम प्राइस में अच्छे स्पेक्स के साथ आती है, मतलब कि इसमें कॉस्ट कटिंग की गई है, जैसे अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं दिया गया है, और बात करते हैं इसके डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं दिए गए हैं। बट अगर बात करें लुक और डिज़ाइन और फीचर्स की, तो वो भर भर के इसमें दिए गए हैं। पावर भी इसमें आपको अच्छी मिल जाती है, माइलेज भी अच्छा मिले, माइलेज आने की रेंज इसमें आपको अच्छी मिल जाती है, उससे रेट कोई इशू नहीं रहने वाला है। इस वजह अपने प्राइस रेंज को देखते हुए ना काफ़ी परफेक्ट स्कूटी निकल जाती है। वैसे ओला S1 प्रो जो है इनकी,
सेकेंड जनरेशन वाली, वो तो बेस्ट है ही, बट अगर आपके थोड़ा बजट कम है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। हब मोटर की अगर बात करते हैं, हब मोटर भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट में जितनी और स्कूटीज हैं मैक्सिमम हब मोटर पे ही चल रही हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी, बट ओला पहले से यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मार्केट में है तो इसका हब मोटर भी ऑब्वियस बात है कि अच्छा होगा और अच्छा परफॉर्म भी करने वाला है, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में आ रही है अच्छा खासा कंपटीशन देने वाली है अपने कंपटीटर्स को, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आप लोग जल्दी से मेरा व्यू बढ़ाइए तो मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आता रहूँगा आप लोग के सामने। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और गाड़ी किससे और रास्ते पर।